खबर पौड़ी से माननीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आज परीक्षा पे चर्चा वर्चुअल संबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न छात्र छात्राओं द्वारा अपनी बात प्रधानमंत्री के सम्मुख रखी गई। इस कार्यक्रम के तहत जनपद के विभिन्न विद्यालयों में भी छात्र छात्राओं द्वारा माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन सुना गया। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने GIC पौड़ी में प्रतिभाग कर प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। जिला प्रशासन द्वारा जनपद के समस्त माननीय विधायक गणों को भी प्रधानमंत्री के उक्त परीक्षा पे चर्चा संबोधन कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था, जिसमें विधायक गणों द्वारा अलग अलग विद्यालयों में स्कूली बच्चों के साथ प्रधानमंत्री का संबोधन सुना गया। प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान देशभर के वर्चुअल माध्यम से जुड़े छात्र छात्राओं, शिक्षकों और छात्राओं के अभिभावकों को कहा, परीक्षा के दौरान छात्र छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों के ऊपर आने वाले तनाव, ऑनलाइन ऑफलाइन पठन पाठन में संतुलन साधने और नई शिक्षा नीति के अनुकूल खुद को ढालने, उसे आत्मसात करने के संबंध संक्षिप्त जानकारी दी। छात्र छात्राओं द्वारा प्रधानमंत्री से पूछे गए सवाल पर प्रधानमंत्री द्वारा प्रभावशाली रूप से उत्तर दिया गया। राष्ट्र के कर्णधारों के साथ देश के उत्थान में उपयोगी बनाने के संबंध में बहुमूल्य संदेश भी उन्होंने दिया। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने वर्चुअल कार्यक्रम के उपरांत कहा कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए संदेश और निर्देशों को सभी नागरिक, छात्र छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। उज्ज्वल भारत और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए उसका अनुपालन करना चाहिए। कहा कि बच्चों को अभी से लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए, जिससे वो आगे जाकर सफलता पा सके। लेकिन जो हुआ है उन चीजों में भी ओवरकम कर जाता है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, आप इस क्वेश्चन में मत रहिए, पैनिक क्रिएट हो ऐसा वातावरण को पनपने ही मत दीजिए। जितनी सहज दिनचर्या आपकी रहती है उतनी ही सहज दिनचर्या में आप अपने आने वाले परीक्षा के समय को भी बिताइए। एक्स्ट्रा जनपद में माननीय प्रधानमंत्री जी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सभी विधानसभा क्षेत्रों के सम्मानित विधायकगणों को इसके बारे में आमंत्रित किया है। कई स्थानों पर उनके द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है और सभी हमारे कॉलेज विद्यालय छात्र जो हैं इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन है उसको बहुत गौर से सुन रहे हैं और जो निर्देश माननीय प्रधानमंत्री जी अपने विचार से साझा कर रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ और आशा करता हूँ कि हमारे छात्र और छात्राएँ और उनके जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक, वो परीक्षा के संबंध में अनावश्यक तनाव और जो बच्चों को जैसे तकलीफ अगर होती है तो वैसा स्वभाव ना करें और परीक्षा को एंजॉय करते हुए, परीक्षा को एक एकेडमिक प्रक्रिया का हिस्सा मानते हुए उसमें अपना प्रदर्शन करें। तो मुझे आशा है कि हमारे बच्चे अच्छा अंक हासिल करेंगे और जीवन के विभिन्न आयामों को भी हासिल करेंगे। सफलता का नया जो उच्चांक हो सकता है उसको भी वो हासिल कर सकते हैं अगर वो उसको फ्रीली उस तरफ आगे बढ़े तो। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।